नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपको स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक मशहूर कलाकार दिलीप कुमार के बारे में। तो आए देरी ना करके शुरू करते हैं। दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922 में पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। दिलीप कुमार का रियल नेम मोहम्मद यूसुफ खान। दिलीप कुमार 1966 में सायरा बानो से शादी की थी। विवाह के समय दिलीप कुमार का उम्र 44 था और सायरा बानो 22 साल के थे। उन्हें भारतीय फिल्म की सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। एक सूत्रों के मुताबिक दिलीप कुमार के पिताजी नहीं चाहते थे मोहम्मद यूसुफ खान फिल्म इंडस्ट्री में आए, इसीलिए वो अपना नाम बदलकर दिलीप कुमार रख लिया। दिलीप कुमार को उनके दौर का बेहतरीन अभिनेता माना जाता है। वो दुख भूमिका के लिए मशहूर होने के कारण उन्हें ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता था। उन्होंने अपनी कैरियर 1944 में फिल्म ज्वार भट्टा से की थी, परंतु वो फिल्म उन्हें इतनी सफलता नहीं दिया। 1949 में बनी फिल्म अंदाज की सफलता ने उन्हें प्रसिद्ध दिलाया। फिल्म दीदार, देवदास, गंगा जमुना, विधाता, दुनिया, इज्जतदार, सौदागर, ऐसी कई सारे हिट मूवी दिलीप कुमार ने फिल्म इंडस्ट्री को दी। वो अपने कैरियर में करीब 65 मूवी में अपना किरदार निभाया था। 1954 में फिल्म दाग के लिए, उसके बाद 56, 57, 58, 61, 65, 68 और 83 में फिल्म शक्ति के लिए 8 बार फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था। 1998 में फिल्म किला में वो आखिरी बार अभिनय किए थे। दिलीप कुमार की बनी हुई फिल्मों में मुगल ए आजम बॉक्स ऑफिस में सबसे अधिक इनकम किया था। 2011 के अनुसार ये मूवी का इनकम 1000 करोड़ की क्लब में शामिल हो सकता है। दिलीप कुमार 1950 से एक मूवी करने के लिए करीब 1 लाख रुपया लेते थे, जो आज के दिन लगभग 1 करोड़ होगी। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छे किरदार निभाने के कारण भारत सरकार के द्वारा 1991 में पद्मभूषण और 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वो एक ऐसे भारतीय है जिनको पाकिस्तान की सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ई इम्तियाज अवार्ड मिला था। साल 2000 से 2006 तक वो भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्य थे। 7 जुलाई 2021 को दिलीप कुमार की मौत हो गई। करीब 98 साल की उम्र में वो अपने अंतिम सांस ले बसे। इनके जाने से हिंदी सिनेमा की एक युग का अंत हो गया। ये थी दिलीप कुमार की पूरी कहानी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार, जय हिंद।